नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे आप। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अबाउट द टीजीटी एंड पीजीटी। टीजीटी पीजीटी में किस तरीके से हम प्रिपरेशन की करें कि पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम लोग तीन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, बट पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर। मैं एनएस तोमर, जो कि टीजीटी पीजीटी में आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसी के बारे में पूरा का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की किस तरीके से हम तैयारी करें कि पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले कि किस तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। नंबर टू, आपको क्या क्या करना होगा वो सब चीजों की जानकारी मैं दे देता हूं कि किस तरीके से आप तैयारी करें, क्या करें और क्या ना करें। तीसरा नंबर, कि कौन सी बुक्स आप पढ़ें, उनमें कौन सी चीजें आपको जरूरी है रिवाइज करना, किनका एक बार रिवीजन करने से काम हो जाएगा, कौन से ऐसे टॉपिक क्वेश्चन हैं जिनको एक बार ही रिवाइज कर लीजिए पर्याप्त हो जाता है वो। और चौथा ये कि जब हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो क्या एलिजिबिलिटी है, साथ में क्या उसका सिलेबस है। तो एलिजिबिलिटी तो वैसे लगभग आप सब लोग जानते ही हैं, सब लोग आप जान करके ही फॉर्म भरते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, उसमें तो कोई डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। और फिर भी एलिजिबिलिटी, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। टोटल कोर्स है जो है, जो कि कंप्लीट सिलेबस आता है, ठीक है ना, चयन आयोग की तरफ से, वो आपने देखा ही होगा, हर एक स्टूडेंट देख ही लेता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं, ऐसे टॉपिक्स लिखे रहते हैं कि स्टूडेंट को लगता है कि ये वाला कहाँ ढूंढे, कैसे है। जैसे हिंदी वाले में लिखा रहता है कुछ अजीब से वर्ड्स, ठीक है ना, भले ही वो सब कुछ है वहाँ पर, इंग्लिश में भी ऐसा रहता है। तो उनको जो है हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन कर लिया है कि जिससे वो एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और कौन से नहीं बनता है। एक्चुअल में जो सिलेबस है पूरा, वो सिलेबस में कई पार्ट ऐसे हैं कि उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है ना, और कई पार्ट ऐसे हैं कि उनमें ढंग से लिखे नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन कहीं आ जाता है। तो वो सब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज पहले पूरा का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दी जाए, पूरा का पूरा किस तरीके से तैयार करना होगा, क्या हमें करना होगा, कैसे होगा, बुक्स क्या होंगी, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं जो है टीजीटी में। तो टीजीटी में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीजीटी को देने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी मेन तो वही है कि आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर आपको बीएड होना बहुत ज़रूरी है, यानी बीएड मस्ट है इसमें, बिना बीएड के आप जो है टीजीटी बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब रही बात ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में देखिए जो साइंस वाला पोर्शन है तो पहले जो है अलग था इसमें, लेकिन अब साइंस में सब एक साथ कर दिया है, पूरा का पूरा पूरा पोर्शन अब एक साथ ही आएगा सभी चीज़ें। तो खैर वो तो सभी जो है जितने भी टीचर्स हैं, सभी अध्यापक हैं, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे ही, ठीक है ना। मुझे तो केवल मेन है कि आज मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करना है कि मैथमेटिक्स को कैसे तैयार किया जाए कि जिससे इसके 125 क्वेश्चन पूरे हो जाएं, वो बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए। हम लोग तो आज उसी पर डिस्कस करेंगे और उसी पर फोकस करेंगे कि क्या प्रोग्राम बनाया जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए कि जिससे अच्छा कर सके हम इसको, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो हमने आपको जो है बेसिकली बता दी, आप भले ही जानते हैं उसको, लेकिन उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना हमें अब, कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है बच्चों कि जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जो है टीजीटी की, तो टीजीटी में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो है इसमें जो है तीन पार्ट हैं। पहला तो एक 9th और 10th का पार्ट है, तो 9th और 10th का पार्ट अकेले नहीं कह सकते हम, इसमें आप ये समझ लीजिए कि लगभग जो है 6, 7, 8 का पार्ट भी आ ही जाता है, ठीक है ना।
जैसे कि परसेंटेज है, वर्क एंड टाइम है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। करीब 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 9th और 10th से उठाए जाते हैं, और लगभग मान के चलिए कि 15% क्वेश्चन इसका आ जाता है। 15% यानी कि 100 का 15%, 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि जैसे 100 है तो 15 जरूर आ जाएंगे इसमें। और इसके बाद 80% लगभग पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन समझिए आप कि जो है प्लस टू से ही आता है, यानी 11th और 12th दोनों का मतलब ही प्लस टू हुआ, ये आता है इसमें से। लगभग 5% कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है बीएससी का पोर्शन। और अगर आता भी है तो बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, या तो थ्योरेटिकल आ जाता है, जैसे ग्रुप थ्योरी का हुआ तो ग्रुप थ्योरी से एक बेसिक क्वेश्चन ही बनता है जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होता है, नाम भी उसका ग्रुप थ्योरी है। लेकिन जो थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन हैं वो जो है सब आ जाएंगे पीजीटी में, ठीक है ना। पीजीटी में तो फिर बीएससी का काफ़ी पार्ट हो जाता है। तो पहले हम लोग जो है टीजीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो टीजीटी में ये वाला पार्ट आपको तैयार करना ही होगा, नंबर 1 इसमें 9th 10th। तो मैं तो यही कहूंगा कि एनसीईआरटी 6 7 8 9 10, ये जो है एनसीईआरटी जरूर आप पढ़ लें। ठीक है ना, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो 6 से 10 तक की पूरी, तो मुझे लग रहा है कि जो है जो 9th 10th का पोर्शन है, जिसको हम 9th 10th ही कह देते हैं नॉर्मली, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा, जो लगभग 15% के करीब होगा। दूसरा पार्ट जो है फिर आ जा रहा है 11th का और 12th का। तो काफ़ी ब्रॉड कोर्स है बच्चों, और मैंने तो पढ़ा है फिलहाल उस चीज़ को, लेकिन इस समय नहीं है वो। क्या नहीं है? स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन था पहले, एक बुक अलग से रहती थी, और जो है डायनामिक्स की एक बुक अलग से रहती थी, लेकिन अब ये दोनों पार्ट हटा दिए गए हैं, ना तो जो है वो CBSE में है, ना ही UP बोर्ड में है, ठीक है, और ना ही जो है ISC में है। अब पूरा का पूरा जो है लगभग CBSE के पैटर्न पर ही कर दिया गया है, तो ये पोर्शन हट गया है, बट ये जो है TGT के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही, इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये एक्स्ट्रा होगा। यानी अगर आपने 12th जो है अभी लगभग किया है कुछ समय पहले, तो फिर ये आपको नहीं पढ़ने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पर उसको हमें पढ़ाना है। और ये मान के चलिए कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स से करीब 5 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 5 से 8 यानी 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात अगर हम करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन और एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सिलेबस जिस तरीके से आयोग ने दिया है, वैसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैंने अपने हिसाब से जो डिज़ाइन किया है हमेशा, जो मैं करता रहा हूँ अभी तक, ठीक है ना, कि किस तरीके से बच्चों को बताया जाए कि वो और अच्छा कर सकें, टॉपिक तक दिमाग में बना रहे कि ये चीज़ से इतना क्वेश्चन आता है और ये है और ये नहीं है, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका नहीं पूछा जाएगा, उस लेवल पे मैंने बनाया है। तो वो तो आपको फिर किसी न किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितने आते हैं किसी भी टॉपिक से, और जो है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं। लेकिन आज पहले थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कस कर दें, फिर इसके बाद आते हैं जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर। तो यहाँ पर जो है 2nd नंबर पर आपको 11th पोर्शन और साथ में 12th पोर्शन, ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा, कि जिससे कम से कम आपका 80% तो कवर हो ही जाए। 125 क्वेश्चन में 80% आप समझ सकते हैं कि कितना होगा, इतना इससे कवर हो सकता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं आप उनको, बस थोड़ा सा एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो वो भी हम सब लोग डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद जो है 3rd नंबर पर जो है BSc का पोर्शन, तो BSc का तो आप समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आना है, हमने कहा नहीं कि लगभग 5% है, और वो भी बेसिक क्वेश्चन होंगे, बड़े आराम से याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, यानी थ्योरी होगी तो याद ही हो जाएगी वो, ठीक है ना। और बताएंगे भी कि किस तरीके से हम तैयार कराएंगे आपको, और कैसे आप लोगों को भी करना है कि 100% हो जाए, पहली बार में सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है ना, ये प्रॉमिस करके चलिए अपने आप से खुद। तो इतना पोर्शन जो है ये आपको जो है कंप्लीट करना होगा TGT के लिए, और इसमें ये सभी को पता है कि इसमें BEd मस्ट है, ग्रेजुएशन के बाद BEd होना चाहिए, बाकी और कुछ जो है CTET या TET ये सब इनसे कोई लेना देना नहीं, आपने किया है कि नहीं किया है
इसमें कुछ नहीं है, केवल एक बीएड चाहिए और ग्रेजुएशन आपका चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने किया हो कर सकते हैं। हाँ, कुछ लैंग्वेज की रहती है बात, जैसे हिंदी और संस्कृत है, तो वो तो फिर उसके लेक्चरर, उसके टीचर आपको खुद ही बताएंगे, ठीक है ना। मैं तो मैथ के बारे में ही अभी डिस्कस कर रहा हूँ पूरा। तो जरा आ जाते हैं टीजीटी के पूरे इसके पोर्शन के बारे में, एक नॉर्मल डिस्कशन पहले हो जाए इसमें थोड़ा कि क्या चीज़ करना है आपको। तो जो 6, 7, 8, 9, 10 है, आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए और हर एक जो है, जो टाइप जो है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें से जो टॉपिक्स हैं मेन मेन, वो सब आपको जो है खैर पहले से भी पता होंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सब मिल भी जाएगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक बार उसको पूरा रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से। वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और एक बार बढ़िया से आप समझ के कर लेंगे तो हमेशा के लिए तैयार रहेगा। दोबारा रिवीजन भी ना करेंगे आप तो भी तैयार रहेगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं कि आपको लेक्चरर बनना है, भाई भले आप मेरे स्टूडेंट हैं इस समय, ठीक है ना, लेकिन आपको भी आगे चल करके स्टूडेंट को पढ़ाना है, और अध्यापक का रोल बहुत बड़ा होता है साथियों। बच्चों आप ये समझ लीजिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं बच्चा भी बोल सकता हूँ, साथी भी बोल सकता हूँ कि भाई सीधी सी बात है उसी सर्कल में आपको भी आना ही आना है, ठीक है ना। बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जो है एक शिक्षक तो एक समाज सुधारक है ना, उसको बड़े धैर्य से काम करने की ज़रूरत है, और हर एक चीज़ों को जो है बारीक जो है तरीके से कंप्लीट करना होगा, देखना होगा, क्योंकि उसको चेक करके, उसको जो है उस नॉलेज को ले करके हमें दूसरे को भी देना है, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो श्योर है कि मैं भी कभी ना कभी 10th में पढ़ा हूँ, 12th में पढ़ा हूँ, बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर पढ़ाया भी, तब से पढ़ा ही रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो श्योर है कि जब इतना समय से हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी नई सीखी होगी। अब वो नई सीखने के बाद फिर जो है आप लोगों को दे रहे हैं, और आप लोग जो है श्योर है कि दूसरे स्टूडेंट्स को देंगे, तो ये तो जो है एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता ही चला जाता है, तो वो तो करना ही होगा, हम लोगों का कर्तव्य भी है, ठीक है ना। तो बड़े धैर्य के साथ आपको हर एक चीज़ को तैयार करना है, ठीक है ना, उस लेवल तक पहुंचाना है, और आगे चल करके भी ईमानदारी से ही वर्क करना है, क्योंकि टीचर का सबसे बड़ा रोल यही है, सबसे बड़ी ईमानदारी। जैसे कि हम पढ़ाने में भी पूरी ईमानदारी रखेंगे कि जिस समय हमें कोर्स कंप्लीट कराना है कराना ही है, भले उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर भी देना पड़े तो वो भी जाएंगे, मैराथन क्लास लेनी पड़े तो मैराथन क्लास भी लेंगे हम लोग, टेस्ट सीरीज बढ़ानी पड़े तो वो भी बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जरूर होंगी, तो इन पर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसमें जो है मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पर्याप्त है, जो है इतना पोर्शन एनसीईआरटी का आप कर लेंगे तो ये जरूर वो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरा नंबर आता है फिर 11th और 12th की बात। तो 11th और 12th के लिए मुझे लगता है इसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इनको, थोड़ा सा समझिए आप। 11th और 12th में नंबर वन तो आपको एनसीईआरटी लेना ही लेना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी इसलिए लेना है, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लिखा है, बहुत नहीं मिलने वाला आपको उसमें, लेकिन कभी कभी तो उसमें कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन, तो वो एक साथ ही थोड़ा सा लिखा और समाप्त कर दिया, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, हमें ज़रूरत है। और लेकिन उसमें कुछ ऐसी थ्योरी लिखी है कि अगर उसको हम थोड़ा सा ढंग से रीड कर लें तो काफ़ी काम आ जाएगा, ये जरूर है, आप ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपको उसको देखना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को। और इसके बाद थोड़ा सा जो है अगर आप इस बारे में एक चीज़ और पढ़ लें, थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। देखिए, ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा बता रहे हैं कि सर क्या बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी, लेकिन करना होगा। जैसे कि जो है एक बहुत बड़ा जो है एमसीक्यू का पोर्शन अगर हमें मिल जाए, उससे प्रैक्टिस कर लें तो और अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। यानी एक ब्रॉड कलेक्शन एमसीक्यू का, और उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रहेगा जो है आरडी शर्मा की, ठीक है ना। एक सब्जेक्टिव बुक आती है और एक ऑब्जेक्टिव भी आती है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव की ज़रूरत तो नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि इतना तो हम खुद ही लिखाएंगे आपको, सब चीज़ें नोट्स वो बनेंगे ही अच्छे, तो उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव का आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आएगी, उसमें दो पोर्शन आएगा, दो वॉल्यूम आता है, तो अगर उसमें ले लेंगे तो 11th 12th का बहुत जो है ब्रॉड पोर्शन जो है, ठीक है ना, बहुत बड़ा जो है ब्रॉड पोर्शन उसमें आपको मिल जाएगा, एक अच्छे एमसीक्यू मिल जाएंगे। पहला तो पार्ट ये रहा। दूसरा जो है एक चीज़ और कर सकते हैं अगर आप, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं भाई, आप ये मत सोचिएगा कि सर सब गिनाए दे रहे हैं जो है, अपना भी कुछ कराएंगे, नहीं, ये सब कुछ मैं कराने वाला हूँ आपको, लेकिन मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी साथ में इसको तैयार करेंगे तो और भी बेस्ट तैयारी होगी, ठीक है ना। वो मुझे सब कुछ देना है, ठीक है ना। आप अगर बुक्स वो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको जो है
प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही उन सभी क्वेश्चंस का, लेकिन अगर खुद ले लेते हैं बुक्स तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरा पोर्शन एक ये है कि जैसे बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, यूपी का भी होता है, ठीक है ना, यूपीएससी एमपी का जो है, ठीक है ना, एमपीपीटी और भी हैं वेस्ट बंगाल के, तो इसका भी एक जो है एक बुक्स आती है, उसमें से बहुत सारा कलेक्शन है जो बहुत सारे ईयर के दिए हुए हैं क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर वो भी आपने तैयार कर लिया, वो भी पढ़ा साथ में, ठीक है ना, तो एक कलेक्शन वो भी मिल जाएगा अच्छा। और दूसरा जो है ज़्यादा नहीं, करीब 10 जो है 2010 से लेकर के 2021-22 तक का जो है आईटी मेंस का, ठीक है ना, आईटी मेंस का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त बता दिया, इतना सारा कैसे कर पाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, जो है आपको ऐसे नहीं करना है कि नहीं जो है ढेर सारी बुक्स पढ़नी है या फिर और भी लानी है तो और भी पढ़ना है। ये बुक्स अपने पास ले करके अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप लेके रखते हैं तो डेफिनेटली मैं 100% आपको प्रैक्टिस सेट में ये सभी क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो जरूर दूंगा जो है। हाँ, बस ये रहेगा कि जो क्वेश्चन जो है एक बार किसी में जैसे आ चुका है, ठीक है ना, एक सेट में दिया हुआ है, एक में हो चुका है, तो वो वाला दोबारा आपको नहीं मिलेगा। बुक्स में क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं आर डी शर्मा की बुक्स, तो आर डी शर्मा की जब बुक्स आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, फिर वही कई क्वेश्चन जो है फिर आपको, ठीक है ना, जो है सीबीएसई की बुक्स में, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, वही कई क्वेश्चन जो है स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी मिल जाएंगे, ठीक। और जो है मेंस वाले भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके रख देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसी के तरीके सेम वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये बुक्स अगर अपने पास आप रख लेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी होती रहेगी जो है। और एक बात और आ जाती है, बहुत सारे बच्चे ये भी कह देते हैं कि सर कितनी सारी बुक्स पढ़ डालेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने एमएल खन्ना भी ले लिया, ठीक है ना, आरडी शर्मा भी ले लिया, ठीक है ना, अरिहंत की भी ले लिया, ठीक है ना, ढेर सारी बुक्स हैं जो है, कई पब्लिकेशन है ऐसे जो है, आपने सब रख लिए। अब इतनी सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है भाई, इतनी सारी बुक्स आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है कि जैसे आप एक बुक्स को आप पढ़ रहे हो, एक बुक्स को आपने पढ़ा, अब इसके बाद मुझे लगता है कि करीब 80% क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली दूसरी बुक में मिल ही जाते हैं, 100% मिल जाएंगे। तो अब 20% एक्स्ट्रा है तो बस उन्हीं को निकाल लेना है हमें, उन 20% को जो है हमें अलग से करना है। हर एक बुक में हो सकता है कि 20% एक्स्ट्रा मिल जाए, उसका कलेक्शन हम लोग बना लेंगे अलग, और ये चीज़ मैं बना करके मैं भी आप लोगों को दूंगा भी, और पहले से मैंने बनाया भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये रही 11th और 12th की बात कि कितना पोर्शन हमें इसमें तैयार करना होगा। इसमें जो है जैसे हमने कहा आपसे कि जो है स्टैटिक्स और डायनामिक्स है, तो उसका पोर्शन वो भी आपको अलग से मिलेगा, है ना। पहले 11th 12th में नहीं था वो, लेकिन इस समय है, क्योंकि हमने इसको पहले पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि आप लोग बाद में एग्जाम दिए हैं, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने दिया होगा जो है 12th, तो नहीं मिला होगा आपको, लेकिन जो है PGT TGT के एग्जाम में जरूर आएगा, वो दोनों एग्जाम में मिलना है आपको, ठीक है ना। तो ये पोर्शन तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। और रही बात बीएससी की, तो बीएससी का लगभग जो है 5% ही आता है उसमें से टीजीटी में, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, लेकिन पढ़ना तो है। देखिए किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, देखिए मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ कि अगर 125 क्वेश्चन है तो हमें उन 2 घंटों में 125 क्वेश्चन करने ही होंगे, ठीक है ना, 125 क्वेश्चन करने होंगे। अब उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहला प्रैक्टिस, ठीक है ना, और प्रैक्टिस के पहले की बात अगर हम करें तो हमें खास कर जो है तीन चीज़ें जो है कंप्लीट करना है। तीन चीज़ें कौन कौन सी? नंबर वन, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो है ये ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई आप लोगों को भी तो पढ़ाना है आगे चल करके, अभी आप सीख लेंगे तो फिर जोर है कि आगे चल करके पढ़ाएंगे। अगर आप कहीं ये कहें कि सर नहीं हमें पहले सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है फिर बाद में तो हम तैयारी कर ही लेंगे जो है, तो श्योर है वो तो अच्छा है, तो उसके लिए भी है सब चीज़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सब निकल करके तो कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो कॉन्सेप्ट ही है, इसी का यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरे नंबर पर फास्ट भी तो करना है भाई, 125 क्वेश्चन 2 घंटे में पूरे करने हैं, तो अगर हम पूरा डिटेल से लिखते रहेंगे तब तो हालत खराब हो जाएगी, फिर नहीं कर पाएंगे हम। तो जरूरत भी है हमें किसकी? ट्रिक की,
कि हम कितनी जल्दी कर जाएं। तो दूसरी बात हो गई ट्रिक्स। ट्रिक्स भी आपको चाहिए चाहिए, और इसकी जो है यानी ट्रिक्स की भरमार रहेगी। आप लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ढेर सारी ट्रिक्स आपको मिलने वाली है, जिससे आपको क्वेश्चन लगेगा कि जो है हम जो है 10 सेकंड में ही पूरा कर दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखने लिखना है ऐसा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ भरपूर आपको हमारे कोर्स में मिलना ही मिलना है, पूरा का पूरा। कॉन्सेप्ट भी ज़बरदस्त मिलने वाला है, यानी अब इसी पर आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे जो है कि किस तरीके से हम लोग तैयारी कराएंगे, क्या क्या हम कराएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, पहला नंबर कॉन्सेप्ट आपका ज़बरदस्त हो, ठीक है ना। दूसरा ट्रिक्स भी होना चाहिए। ट्रिक्स इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम क्वेश्चन को फास्ट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम 125 क्वेश्चन नहीं कर सकते 2 घंटे में, 1 मिनट से भी कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। और तीसरा जो मैथमेटिक्स के लिए, क्या मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत है, मैथ में तो ज़रूरत है ही है भाई, ठीक है ना। मैथ तो इसके बगैर चलेगा ही नहीं। अब क्या चीज़ ऐसी है कि जिसके बगैर नहीं चलेगा, सब लोग जानते हो आप लोग, प्रैक्टिस, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जो है भरपूर मात्रा में जो है हमारी क्लासेस में मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है ना। यानी उस क्लास में डेफिनेटली बैच स्टार्टिंग में डेफिनेटली ज़बरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फुल जोश के साथ, ठीक है ना, फुल ईमानदारी के साथ, ज़बरदस्त तरीके से, कि जिससे आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें जो है होना ही चाहिए। अब रही बात जैसे कि जो है कॉन्सेप्ट तो सेवर है कि सभी लिखाया ही जाता है, वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको मिलेगा ही। ट्रिक्स में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो आपको चाहिए जिससे कि जल्दी कर सकें। और प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हम तो देंगे ही, लेकिन आप लोग भी बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे इससे। पहला जो है आप एक काम कर सकते हैं कि बढ़िया सा एक जो है कॉन्सेप्ट का अलग कॉपी बना के रख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें केवल कॉन्सेप्ट ही पूरा लिखा हो। दूसरा फिर आप बना सकते हैं ट्रिक्स का, क्योंकि अगर ट्रिक्स अलग है और उसका आपने रिवीजन कर दिया तो वो तैयार होगी जरूर, ठीक है ना। तीसरा फिर नंबर आ जाता है जो है प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस जो है करना ही होगा मैथ के लिए। हालांकि मैथ जो है दो कह सकते हैं भाई, कि इंटरेस्टेड भी है, ठीक है ना, और नॉट इंटरेस्टेड भी, यानी जिस बच्चे को इंटरेस्ट लग गया, ठीक है ना, तो समझ लीजिए मैथ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि याद थोड़ा सा कम करना है, ठीक है ना, और कैलकुलेशन ज़्यादा करना है, तो अपने आप बढ़िया बनता रहता है, ठीक है ना। तो भाई मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है मैथमेटिक्स में लगाने में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स से जो है BSc किए हैं, ठीक है, MSc भी किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सारे का जो है PhD भी हो, ठीक है ना, MEd, BEd सब कुछ होगा। तो डेफिनेटली आपने मैथ में बहुत कुछ किया है, तो इंटरेस्ट रहा होगा तभी आपने किया होगा, और आनंद तो आता ही है। देखिए मैथ एक ऐसा पोर्शन है कि लगाने में आनंद आता है, जब डिफरेंट क्वेश्चन मिले तो और आनंद आता है कि कुछ और अच्छा करो यार इसका, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें आपको लेकर के चलना होगा, यानी कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रैक्टिस, ये भरपूर होना चाहिए, इनमें कोई भी चीज़ कमी ना रहने पाए, तो श्योर है कि सब कुछ अच्छा होगा, पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक। तो जब हम लोग जो है बैच स्टार्ट करेंगे, तो मैं एक प्रोग्राम बता देता हूँ आपको पहले, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा PGT के बारे में। PGT में, ठीक है ना, तो PGT में जानते हैं, PGT में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें BEd से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपने केवल PG किया हुआ है उस सब्जेक्ट से, तो फिर आप PGT को दे सकते हैं, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना, और जान ही रहे हैं आप, ठीक है ना, TGT में जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो उसमें ट्रेंड होना ज़रूरी था, इसलिए BEd कंपलसरी कर दिया गया है उसमें। इसमें BEd कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो है MSc मैथमेटिक्स कर लिया है या फिर MA मैथमेटिक्स कर लिया है, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं इसको, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। 125 क्वेश्चन इसमें भी आना है, ठीक है ना। अब इसमें से केवल 2 पोर्शन पर आपको फोकस करना होगा सबसे ज़्यादा। नंबर वन पर वही है बच्चों कि 11th एंड 12th पर ही आपको फोकस करना होगा, ठीक। और दूसरा नंबर होगा इसका BSc, और कुछ पार्ट्स हो सकता है MSc का। तो मैं बताता हूँ कि MSc का कैसा, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका 80% तो ये मान के चलिए फिक्स है, डेफिनेटली आना ही है, ये मिलेगा ही, ठीक है ना। इसमें वही पोर्शन 9th 10th से इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि
जो पीजीटी वाले जो है टीचर्स हैं, जो पीजीटी का अध्यापक होगा, वो सीधी से बात है कि एडेड कॉलेज में होता ही है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस बारे में कि जैसे कि एलटी ग्रेड है, ठीक है ना, और दूसरा जो है जीआईसी का, जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है ना, जीआईसी लेक्चरर, तो इन दोनों का जो है चयन तो लोक सेवा आयोग करता है, क्योंकि ये दोनों ही सरकारी हैं, सरकारी तो फिलहाल सब हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी, यानी जो एडेड कॉलेज हैं उनमें जो है 9th और 10th को पीजीटी का अध्यापक पढ़ाएगा और 11th और 12th को पीजीटी का अध्यापक पढ़ाएगा, ठीक है ना, ये वैसे जनरली सब आप जानते होंगे, इसमें कुछ मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और एलटी ग्रेड में आप ये जान ही रहे हैं कि एलटी ग्रेड का मतलब है कि जो है जो सरकारी जो है इंटर कॉलेज हैं उसमें से 9th 10th का टीचर पढ़ाएगा, वहाँ पर भी बीएड जरूरी है, ठीक है ना, और सरकारी प्रवक्ता में जो है जीआईसी में, यानी कि जो है जीआईसी लेक्चरर में, वहाँ पर जो है 11th 12th को पढ़ाएगा, ठीक। हाँ, एक बात और है कि एलटी ग्रेड में जो है वहाँ पर माइनस मार्किंग जरूर आती है, देखिए वहाँ पर, हालांकि ये तैयारी आप करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इससे दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं, आपका एलटी ग्रेड भी तैयार हो रहा है और साथ में जो है जीआईसी लेक्चरर का भी तैयार हो रहा है। बस एलटी ग्रेड में क्या है कि वहाँ पर जो है जीएस का पोर्शन भी आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन में से जो है 30 क्वेश्चन जीएस का रहता है, जीएस का पोर्शन, यानी एक जनरल साइंस रहेगा पूरा, जनरल पार्ट, और बाकी जो है फिर सब्जेक्ट का रहता है जो है 120। और इसमें क्या है, इसमें 125 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसमें 125 क्वेश्चन आपको मिलेगा और पीजीटी में तो वही सब्जेक्ट जो आप दे रहे हैं जिससे, उसी का पूरा मिल रहा है, सब्जेक्ट के इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उसी तरीके से जो है टीजीटी में सब्जेक्ट के इधर उधर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और इसमें माइनस मार्किंग तो बिल्कुल नहीं होती है, ना तो टीजीटी में माइनस मार्किंग होगी और ना पीजीटी में होगी। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस मार्किंग ना हो तो तुक्का लगा दो, ठीक है ना, आइडिया लगा दो, मैथमेटिक्स में तो आइडिया बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी सब्जेक्ट हैं तो भाई अगर नहीं याद है तो आइडिया ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ा आपने तो आइडिया ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया नहीं लगाना है, हमें कैलकुलेट करके ही सही करना है, क्योंकि आइडिया वाला क्वेश्चन कभी भी कभी सही नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत दिन से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हम, तो ये चीज़ हमें पता है कि नहीं कैसे हो सकता है। ऐसा भी होता है कभी कि हमने क्वेश्चन बहुत सारे कराए हों और हम सोचें कि जो है यार ऑप्शन लिखे हुए हैं तो इन ऑप्शन में टिक कर देते हैं, यही होगा, लेकिन अगर नहीं लगाया तो ये भी हो सकता है कि वो गलत हो जाए, ठीक है ना। तो कभी हम ऐसा नहीं करते कि आइडिया लगा दें, 100% जब लगता है कि इसका एग्जैक्टली यही होगा, ए बी सी डी में से यही होगा, बी होगा, तो ही लगाते हैं, नहीं तो फटाफट कैलकुलेट करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गलती नहीं करना है। भाई मेरिट में आना है, ये आप जान ही रहे हैं कि जो है ढेर सारा, जैसे कि पिछली बार करीब जो है 15 लाख लड़का जो है भरा था, ठीक है ना, 16,000 वैकेंसी थी, इस बार हो सकता है कि वैकेंसी कम आएगी, हालांकि चांस है जल्दी ही आने का, ठीक है ना, जल्दी है। लेकिन एक बात आप और समझ लीजिए थोड़ा सा, इस बारे में एक चीज़ मुझे और याद आ गया तो वो भी बता दूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो मेरी बात आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वैकेंसी आ गई तो हो सकता है एग्ज़ाम उसका जो है 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, ठीक है ना, हालांकि इतना बड़ा गैप तो नहीं होता है। तो कम से कम ये मान के चलिए कि अगर आप जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नहीं 120 लेक्चर में पूरा का पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 120 लेक्चर में पूरा का पूरा पोर्शन तैयार किया जा सकता है मैथमेटिक्स का। लेकिन खास बात यह है कि क्या लेक्चर पढ़ा करके बस छोड़ देना ही ठीक होगा, या फिर उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस करा करके ये चेक करना जरूरी है कि आप 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आप 2 घंटे में कवर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये भी तो जरूरी है ना। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपने कुछ समय दे करके तैयारी कर ली तो कम से कम 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल आप ये सोच करके मत बैठिएगा कि जब वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, जल्दी ही हम लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला है,
मैथमेटिक्स का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, सभी सब्जेक्ट के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल सब्जेक्ट जितने भी टीजीटी पीजीटी में हैं सभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो जानकारी सब आपको जो है मिल जाएगी पूरा, ठीक है ना। वो सभी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, पब्लिक डोमेन में सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि कब से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम जो है डिस्कस इसमें कर लेते हैं जो है, तो यहाँ पर जो है 11th 12th का जो है पोर्शन, ठीक है ना, 11th 12th का पोर्शन जैसे आप टीजीटी में पढ़ रहे थे उसी तरीके से आपको जो है पीजीटी को तैयार करना है, इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। श्योर है कि जिन बच्चों का जो है बीएड होगा वो टीजीटी भी देंगे, बिल्कुल पीजीटी की तैयारी तो करेंगे वो, लेकिन फिर भी जब बीएड ही है तो जरूर सोचेंगे कि यार टीजीटी भी दे लेते हैं ना, इसमें निकल जाएगा तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में प्रमोशन होकर भी चला जाएगा या तो फिर दे लेंगे पीजीटी, ये सोचता है हर एक स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है ये दोनों पोर्शन यानी कि 80% पोर्शन आपका टीजीटी पीजीटी का 12th और 11th में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जो करीब बच रहा है इसमें 20%, ठीक है ना, 20% पोर्शन बच रहा है, ये 20% पोर्शन बच रहा है जो कि बीएससी और एमएससी। अब एमएससी मैंने लिखा इसलिए है, एक्चुअल में क्या है साथियों कि हर एक यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग सिलेबस है, बीएससी का भी और एमएससी का भी। तो क्या होता है कि जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, मैं कह दूं तो हो सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पोर्शन यहाँ पर बीएससी में हो, ठीक है ना, और एमपी में, ठीक है ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है कि वो पोर्शन एमएससी में हो, ठीक। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वही चेंज हम कह देते हैं कि कुछ पोर्शन बीएससी का है और कुछ पोर्शन एमएससी का है, जबकि एक्चुअल में है टोटल पोर्शन बीएससी का ही मानेंगे हम, मेरे हिसाब से भाई, जो मैंने जो है आकलन किया है अभी तक के पेपर्स का, ठीक है ना, पढ़ाने का, वो सब चीज़ का जो मैंने आकलन किया है, तो मेरे हिसाब से जो है टोटल बीएससी का ही पार्ट होगा। और मैं थोड़ा सा एक बार जरा उन टॉपिक्स को भी बताना चाहूँगा आपको, बाकी तो पूरा डिटेल हम एक लेक्चर में पूरा लेंगे, जिसमें से कि पूरा का पूरा सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में पूरा जो है डिस्कस कर लें कि कैसा क्या है, और इसकी थोड़ा ज़रूरत भी है तो इसलिए ये भी थोड़ा बता दिया जाए। तो बीएससी में जानते हैं सबसे जो है एक पोर्शन है जो है लीनियर अलजेब्रा, वो पूरा आता है, जितने भी 5-6 टॉपिक्स हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट उससे पूछा जाता है, पहला तो ये हुआ। दूसरा जो है पार्ट है उसका जो है रियल एनालिसिस, ठीक है ना, एक अच्छा पोर्शन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो मैथमेटिक्स में तो दिमाग लगता है भाई, उसमें तो ऐसा है नहीं कि अदर सब्जेक्ट जैसा हम रट लेंगे, उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना ही होगा, ठीक। तो रियल एनालिसिस, और एक पोर्शन कुछ ऐसा भी है जैसे कम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा 12th में, तो कम्प्लेक्स नंबर आपने 12th में पढ़ा और ये काफ़ी अच्छा पार्ट है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का एक अच्छा टॉपिक है जो कि हर एक कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ लीजिए कि करीब जो है 5 से 7-8 क्वेश्चन तक इसका पहुंच सकता है टीजीटी पीजीटी में, ठीक है ना, एक अच्छा पोर्शन है, तो इसमें तो बेसिक आएगा टीजीटी में, लेकिन पीजीटी में इसमें आ जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ और थोड़ा सा यूज हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिक से हट करके एडवांस में पहुंच जाएंगे हम लोग उसको, तो ये चीज आ जाएगी एक। दूसरा पार्ट जैसे कि आप इंटर में पढ़ेंगे आप डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव में आप सिंगल डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे, डबल डेरिवेटिव भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन वहां पर डबल डेरिवेटिव भी होगा, ट्रिपल भी होगा, ये सब चीजें आपको पढ़नी होगी अलग से, ठीक है ना। अब आ जाता है जो है 3D का नंबर, 2D का, तो 2D और 3D में जो है 11th 12th में जो पोर्शन है वो तो ही है, लेकिन ठीक है ना, बीएससी में यही पोर्शन जो है एक एप्लीकेशन के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में जैसे कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा, 3D में मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनेगा, प्लेन से भी एक दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, स्पेयर का क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो है आ सकता है, जैसे अगर पूछ लिया जाए कभी तो थोड़ा बहुत बेसिक पार्ट से ही पूछा जाएगा, लेकिन यही जो है एक जब एप्लीकेशन में आ जाएगा तो फिर वो बन जाएगा पीजीटी का पार्ट, ठीक है ना, यानी जो बीएससी में पोर्शन है 3D का, तो थोड़ा सा एक एप्लीकेशन हो गए हैं जिसमें से कि कोन भी है, ठीक है ना,
ठीक है ना, कोन भी है, सिलेंडर भी है, ठीक, और जो है फ्रस्टम है, ये सब चीज़ें सब पूरा का पूरा बनता चला जाता है उसमें से। तो वो सब कुछ आपको जो है बीएससी के पोर्शन में मिल जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हर एक जो है हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट ट्रिक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको ये लगेगा कि नहीं जो है अब ये कभी भूलेगा नहीं, अब तैयार हो रहा है मेरा, बिल्कुल ही ये फीलिंग्स जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो वो पोर्शन जो है आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें वेक्टर की अगर हम बात करें तो टीजीटी में जो है वेक्टर लगभग एक बेसिक पार्ट ही आ जाता है, ठीक है ना, मतलब इंट्रोडक्शन आप वेक्टर से, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल पोर्शन से, और जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से। लेकिन जब यही पीजीटी में नंबर आ जाता है तो इसमें भी थोड़ा सा एप्लीकेशंस आ जाएंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशंस आ जाएंगे और वेक्टर के जो है, और 3D का तो एप्लीकेशंस बनेगा ही उसमें, और साथ में जो है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का भी पूछ लिया जाएगा। तो हालांकि वो 12th का ही पोर्शन है लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ठीक। इसके बाद कुछ पोर्शन ऐसा है जैसे कि लिमिट में है, सीरीज में भी मान के चलिए फिलहाल, मैं तो दोनों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिमिट का यूज करेंगे हम उसमें, डाइवर्जेंस सीरीज, कन्वर्जेंस सीरीज, ठीक है ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये दोनों सीरीज हैं। तो ये सीरीज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक सीरीज एपीजी पीएचपी है जो 12th का पोर्शन है, और इसी के साथ, ठीक है ना, इसी सीरीज के साथ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज, ठीक है ना, ये अब 12th में नहीं है साथियों, ठीक है ना बच्चों, अब ये 12th में नहीं है, ये पहले था, है ठीक है, हमने तो पढ़ा है पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल सीरीज के ढेर सारे क्वेश्चन, एक टॉपिक था अच्छा लॉगरिथमिक सीरीज पूरा जो है पूरा था एक जो है, लेकिन क्वेश्चन तो इसके आना ही है, डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आएंगे। तो सीरीज में ये दो पोर्शन जो है 12th की हैं लेकिन ऐड हैं, जो आज नहीं है 12th के जो है कोर्स में, ठीक, वहाँ आपको नहीं पढ़ाना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कभी आपको भी पढ़ाना पड़े, भाई सीधी सी बात है, फ्यूचर में कभी आप भी पढ़ा सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जो है डाइवर्जन सीरीज, ठीक है ना, और कन्वर्जन सीरीज, ये दोनों में जो है लिमिट का भी यूज होता रहता है। तो लिमिट जो नॉर्मल लिमिट है वो करीब मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन आ जाता है टीजीटी में से, और है लेकिन इसके साथ यूज करके इसमें भी आ जाएगा। तो एक पोर्शन ये हो जाएगा जितना मैंने अभी आपको गिनाया, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, और साथ में जो है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी का जो है एक नॉर्मल पोर्शन जो आता है, थ्योरी तो ही है वैसे भी वो, लेकिन एक अच्छा टॉपिक है और दमदार टॉपिक है, दिमाग लगाना पड़ता है उसमें कुछ ऐसी, लेकिन जो कम दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं टीजीटी में, और जिनमें जबरदस्त यूज करना है वो सब आ जाएगा पीजीटी में, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको जो है बीएससी का इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है ना, और फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसमें थोड़ा जो है एक जबरदस्त रूप में, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि टीजीटी में क्या पोर्शन आपको मिलने वाला है मैथमेटिक्स का, किसकी ज़रूरत है, क्या क्या पढ़ेंगे आप, ठीक, और इसके बाद जो है पीजीटी में आपको कितना पढ़ना होगा, कितना परसेंट आता है, ठीक है ना। अब एक बात मैं साथ में थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहा करते हैं, हालांकि वो बिल्कुल फैक्ट नहीं है क्योंकि वो बदल सकता है ना कभी, जैसे बात कर दी जाए कि जो है बच्चे पूछेंगे सर कितने में सिलेक्शन हो जाएगा, कितने क्वेश्चन हम करके आ जाएँ कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि कोशिश आप करिए कि 125 में से 125 पूरे सही हो जाएँ, ये कोशिश करिए आप, है ना। हालांकि थोड़ा सा जटिल कार्य है, लगेगा ऐसा कि यार 125 क्वेश्चन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के नहीं भी हो पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो जरूर होगा, ठीक है ना। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा जो है जो व्यवसाय है, यानी जो हम शिक्षक गण हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप बनेंगे आगे, तो डेफिनेटली उसमें हम लोगों को कोशिश तो करना ही है, कोशिश करना ही होगा, बिना कोशिश के हम लोग जीत नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए तो फिर छोड़ दीजिए बिल्कुल, वो बात को बिल्कुल हटा दीजिए कि हम 125 नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है 105 तक पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी श्योरिटी है, ठीक है ना, सिलेक्शन के 100% चांस हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ज़रूर हो सकता है, प्रयास आप करिए। क्योंकि एक बात और बता दें, कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हम क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लगाते तो हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, एग्जाम का प्रेशर अलग रहता है, ठीक है ना, वहाँ पर मेंटली प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम है भाई। एक नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं तो स्वतंत्र है ना, तो आपको टाइम देखना है कि टाइम कितना हो गया भाई, ये भी आपको नहीं देखना है, ये सब चीज़ों की जानकारी कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है,
टाइम हो रहा है तो भी ठीक है, ज़्यादा हो गया तो भी ठीक है, हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो प्रेशर है ना भाई कि यार सिलेक्शन भी लेना है, सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, जल्दी से चाहिए हमें सिलेक्शन, ठीक है ना, हमें कॉलेज में पहुँचना है, हमें पढ़ाना है, तो वहाँ प्रेशर रहेगा ही रहेगा। अब जब प्रेशर रहता है तो गलतियाँ होती हैं भाई, स्वाभाविक सी बात है कि गलतियाँ जरूर होंगी। गलतियाँ होती कैसे हैं ये समझिए आप, गलती ये भी हो सकती है कि आपको क्वेश्चन वो परफेक्ट आता हो, जल्दबाजी में आपसे प्लस माइनस की गलती हो जाए, ये भी हो सकता है। आप इसको सुधारेंगे कैसे भाई, बात तो वही आ गई ना कि अगर ऐसा होता है तो सुधारेंगे हम कैसे, ठीक है ना। तो सुधारने के लिए श्योर है कि हमें प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी, ठीक, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तभी हम लोग उसमें आगे बढ़ पाएंगे जो है, फिर गलतियाँ होना बंद होंगी, श्योर है, ठीक है ना। वो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना, ह्यूमन एरर है, वो तो होती ही रहती है, कभी ना कभी जल्दबाजी में चूक जाता है। लेकिन दूसरी गलती क्या हो सकती है, दूसरी गलती ये हो सकती है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ऐन मौके पर भूल गए, याद ही नहीं आ रहा आपको, लगना उसी से है, ठीक है ना, तब वो फिर तो क्वेश्चन ही चला जाएगा, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा हमें समय रहते प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, एक अच्छी तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। अभी कुछ और बातें डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इसमें ही आ जाता हूँ पूरा डिटेल, है ना, ये सब चीज़ों को जरा डिस्कस कर दें कि हम लोग कैसे तैयार करने वाले हैं, क्या कराने वाले हैं। तो देखिए, जल्दी ही आपका जो है टीजीटी पीजीटी का एक कंबाइंड टीजीटी पीजीटी का कंबाइंड बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, जिसमें से कि टीजीटी के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे और पीजीटी के लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक। तो वीकली में मैंने उसको ऐसे डिवाइड किया है कि जो है इसमें से आपको 6 डेज क्लासेस चलेंगी, 7 भी हो सकता है, जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम करेंगे ज़रूर, ठीक है ना। 7 डेज क्लासेस में पूरी भी मिल सकती हैं आपको, ठीक है ना, पूरे लेक्चर जो है 7 डेज क्लासेस तो रहेगा ही, ठीक है ना। अब 7 डेज क्लासेस में से मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि जिसमें 7 लेक्चर में से आपको 5 लेक्चर, ठीक है, आपको टीजीटी के मिल जाएं, क्योंकि टीजीटी का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे जो है बीएड किए होते हैं तो उसकी क्लासेस थोड़ा ज़रूरी होना चाहिए, 80% कॉमन भी है, और इसके बाद 20% का जो बचेगा पार्ट जो है पीजीटी का, उसके 2 लेक्चर, ठीक है ना, यानी कि 5 लेक्चर हमने कर दिया, ठीक है ना, 5 लेक्चर हो गए टीजीटी के जो आपको जो है वीक में मिलने वाले हैं, और 2 लेक्चर, ठीक है ना, 2 लेक्चर पीजीटी के। अब आप सोचेंगे कि सर इसको एक साथ ही क्यों करा दे रहे हैं, पहले आप ऐसा करिए आप टीजीटी का ही कंप्लीट कर दीजिए, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर पहले इसी को कंप्लीट करा दीजिए जो है 80% को, फिर बाद में उसको शुरू करिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक साथ चले तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या है कि जिन बच्चों का जो है बीएड नहीं है तो कम से कम उनका भी इंटरेस्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साथ में अगर वो बीएससी वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता रहेगा तो फुल कॉन्फिडेंस उसमें भी बनता जाएगा और रिवीजन करने का समय भी मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो करना ही करना है, 80% भर से सिलेक्शन का चांस नहीं बनेगा, समझ लीजिए बीएससी पोर्शन जो है पूरा का पूरा करना ही होगा आपको बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए उसको, इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि 7 डेज की क्लासेस में 5 लेक्चर आपको टीजीटी के दिए जाएं और उनमें से 2 लेक्चर आपको पीजीटी के दे दिए जाएं, ठीक है ना, ये प्लानिंग है। अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच को, देखिए तो जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा प्लान मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, अभी तो मैंने जो डिस्कस किया वो काफ़ी चीज़ें थी वैसी, ठीक है ना, वो भी ज़रूरी था, हालांकि सब आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने टाइम लिया आप लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा चाहता था कि एक डिस्कशन हो जाए उस बारे में भी, मैं भी आपको बता दूँ। हम लोग जो है इन 3 पर फोकस अच्छा करेंगे। पहला तो जैसे कि बैच स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने में जो पहला लेक्चर होगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और साथ में क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस तो मिलेंगे साथ में, तो जो क्वेश्चन मैं बोर्ड में आपको करा रहा हूँ वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको इसको जो है डेली प्रैक्टिस डीपीपी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो डीपीपी का जो है यहाँ पर यूज हो जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस यहाँ पर जो मैं लिखाऊंगा वो तो रहेंगे ही, उनका एक बार आपको रिवीजन करना ही करना है, ठीक। दूसरा जो डीपीपी आपको मिलेगी उस डीपीपी का यूज आप प्रैक्टिस में कर दीजिए,
और दूसरे लेक्चर में जो है लाइव में, जब भी लाइव होंगे भाई, बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी होंगी, लाइव भी होंगी, तो लाइव में हम लोग जो भी इसका बचेगा डीपीपी का, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे तुरंत, यानी वो पूरा का पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे हम, तो श्योर है कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक तो बहुत ही जरूरी है ना, बिना ट्रिक के तो क्वेश्चन जल्दी होगा नहीं, ठीक है ना, वो जरूरी है। देखिए पढ़ाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट के बगैर काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो है एग्जाम को क्वालिफाई भी तो करना है भाई, ठीक है ना। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एक जरा इस बात पे आ जा रहा हूँ, देख लीजिए कि कैसे ट्रिक का यूज कर पाएंगे, ठीक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। यहाँ पर जो है जरा देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक, ये है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करिए, ठीक है ना, एक अच्छा पार्ट भी है, एंड मॉड जेड माइनस आई अपान जेड प्लस आई इक्वल टू थ्री, देन लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड, ठीक है ना, लोकस ऑफ जेड लोकस का मतलब क्या है, बिंदु पथ, लोकस ऑफ जेड इज क्या हो सकता है भाई, लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, या फिर इलिप्स हो सकता है, या फिर हाइपरबोला हो सकता है, ठीक है ना, या फिर हाइपरबोला हो सकता है, इसमें हाइपरबोला। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो जरा सोचिए क्या करना चाहिए भाई हमें, ठीक है, ये समझिए जरा, ठीक, इसमें जो है कैसे हम इसको जल्दी कर पाएंगे। अब यही बातें एक आएगी जो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, हमारी क्लासेस में वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि जो है एक बेहतर क्वेश्चन कॉन्सेप्टिक्स, ठीक है ना, वो आपको मैं दे सकूं, और कम से कम इस तरीके से प्रिपरेशन आपको करा सकूं ईमानदारी से, कि जिससे जब आप एग्ज़ाम दे करके आएँ तो ये ज़रूर कहें कि 100% चांसेसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, और रिजल्ट जब आए तो पॉजिटिव आ जाए वो, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, बाकी और चीज़ नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव आ जाए। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए, तो अगर यहाँ पर हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख करके करेंगे तो देर लगेगी, और ये काम आपको बोर्ड में करना होगा जब आप पढ़ाने जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर क्लास में भाई ट्रिक्स नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि वो बोर्ड की क्लास होगी, वहाँ पर आपको ट्रिक्स नहीं बताना होगा, वहाँ पर तो पूरा डेरिवेट करना होगा। तो जब हम जेड इक्वल टू यहाँ रख करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, मॉडुलस निकालेंगे उसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो एक इक्वेशन बन करके आएगा। अब वो इक्वेशन या तो लाइन का होगा, या तो सर्कल का होगा, या तो इलिप्स का होगा, या तो हाइपरबोला का होगा, किसी ना किसी का जरूर होगा। लेकिन अगर इतना देर आपको लगाएं तो मैं सही बता रहा हूं आपको, इसको कम से कम जो है आप कितना भी कम करेंगे तो भी 2 मिनट लगा देंगे, बहुत फास्ट करेंगे आपको आता है तो भी, ठीक है ना। तो फिर जानते हैं क्या चीज़ है, एक बढ़िया सी बेस्ट ट्रिक आ जाती है सामने कि पर सर कैसे करेंगे कि जल्दी कर लें, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ ये देखिए जरा। अगर कभी भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अभी इन पर डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, ठीक है ना, एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हमें ट्रिक की, आखिरकार ट्रिक का यूज क्या होगा भाई, क्या बिना ट्रिक के भी काम हो सकता है अच्छा, तो वो जरूरी है जानना कि नहीं, ट्रिक की ज़रूरत है, हमें करना ही होगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये होता है इसमें से, ट्रिक इसका एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, जेड वन अपान जेड माइनस जेड वन अपान जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कि जेड माइनस जेड वन अपान जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस इक्वल टू ए है। अब ए जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और अगर ये नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो डेफिनेटली जेड एक सर्कल होगा, ठीक है ना, डेफिनेटली अगर ए नॉट इक्वल टू सर्कल हो जाए तो डेफिनेटली जेड एक सर्कल ही बनाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली होगी, एक छोटा सा एक
एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू वन, देन जेड इज ए सर्कल, ये होगा डेफिनेटली। अगर ये इक्वल टू वन नहीं है तो, और इक्वल टू वन हो गया तो फिर ये एक लाइन बना देगा, ठीक है ना। अगर इक्वल टू वन हो गया ये जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस इज इक्वल टू वन है तो फिर जेड, देन जेड इज ए लाइन, ये बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये एक छोटी सी बात है कि एक टॉपिक को हम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार हमें शॉर्ट ट्रिक से क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक। तो वो चीज़ें जो है कि कॉन्सेप्ट तो पूरा ब्रह्मास्त्र है भाई, उसको तो पढ़े बगैर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ट्रिक्स हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन पूरे करने हैं, अगर हम छोड़ते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है ट्रिक्स का, ठीक। अब दूसरा नंबर आ जाता है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस देखिए करते रहने से क्या होगा कि मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो डेफिनेटली तैयार होती रहेंगी, ठीक है ना। वो तैयार करिए, अगर आपको लगता है कि समय बच रहा है आपके पास प्रिपरेशन के अलावा भी, तो आप कहीं ना कहीं किसी को पढ़ा सकते हैं, 9th, 10th, 7th, 8th जो भी आप पढ़ा सकते हैं, अगर वो पढ़ा भी रहे होंगे तो वो भी आपका एक रिवीजन होता रहेगा, तो वो प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। 11th, 12th अगर कहीं आप पढ़ा रहे हैं तब तो एक अच्छी प्रिपरेशन वो भी हो ही रही होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, यानी जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे, बैच शुरू करेंगे, तो बैच में जो है स्टार्टिंग में आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, उसके साथ क्वेश्चन मिलने वाला है, प्रैक्टिस के लिए आपको DPP मिलने वाली है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मिलेंगी पहली क्लास में ही, ठीक। अब रही बात जो है डिस्कशन की, तो सपोज करिए कि जैसे कि क्लासेज जो चल रही हैं, तो जो आपको DPP मिलेगी उसका जो है डिस्कशन, उसका सॉल्यूशन जो है लाइव हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा वहीं पर, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाला हूँ, जो खासकर जो जल्दी से कोई नहीं कराते हैं, जो है टॉपिक टेस्ट नंबर वन, पहले जो है हम लोग करेंगे टॉपिक टेस्ट। टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, सपोज करिए कि हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा कर लिया, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस को पूरा कर लिया, ठीक है ना, या फिर जो है इंटीग्रेशन का पार्ट हमने पूरा कर लिया, तो टॉपिक टेस्ट रखेंगे हम लोग। उस टॉपिक टेस्ट को आपको देना होगा, टॉपिक टेस्ट देने के बाद, ठीक है ना, उस पर फिर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक। तो एक बार तो ये हो गया, पहली बार तो देखिए मैंने आपको पूरा टॉपिक कराया, ठीक है ना, यहाँ पर जो है थ्योरी कॉन्सेप्ट सब आपको मिला, क्वेश्चन किया गया, यहाँ पर सॉल्यूशन हमने कराया, एक बार ये रिवीजन हुआ। दूसरा जो है आप लोगों ने भी अगर एक बार उनको देख लिया, उन क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं बन रहे थे, तो फिर दो बार हो गया जो है। इसके बाद टॉपिक टेस्ट हुआ, टॉपिक टेस्ट में जो है आपने एक बार फिर से, यानी सीधी सी बात है कि जब हम टॉपिक टेस्ट लेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन का यूज करेंगे कि जिससे पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, उन्हीं क्वेश्चंस को देना है हमें, ठीक है ना। न्यू भी होंगे क्वेश्चंस, कुछ पुराने भी होंगे जो करा चुके हैं, तो इस तरीके से टॉपिक टेस्ट हो जाएगा। टॉपिक टेस्ट होने के बाद, ठीक है ना, फिर एक आ जाएगा जो है पूरा जो है वीकली टेस्ट कर देंगे उसको, या फिर जो है 15 डेज बाद, ठीक है ना, जैसा हमें ठीक लगेगा कि अगर लगता है कि पोर्शन तैयार हो रहा है काफी, तो फिर उसको वीकली कर देंगे, ठीक है ना। तो वीक में जितना तैयार होगा पोर्शन उसको आप वीकली टेस्ट दे देंगे, ठीक है ना। दो टेस्ट जो है, टॉपिक टेस्ट और वीकली टेस्ट, ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इसके साथ जैसे ही कोर्स जो है काफी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम लोग शुरू कर देंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। फिर नंबर आ जाएगा किसका, टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है, ये समझ लीजिए आप इसको पहले। टेस्ट सीरीज जब आप देंगे, तो टेस्ट सीरीज में हमने ये प्लान रखा हुआ है इसमें कि जब टेस्ट सीरीज आप देंगे तो श्योर है टेस्ट सीरीज में कई क्वेश्चन फंसेंगे ही, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे भी, ठीक है ना। तो उतने ही टाइम में आप उसको टेस्ट सीरीज को देंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी, और इसके बाद अगर लगता है कि नहीं हमें पूरे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं हम 2 घंटे में, तो श्योर है कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत होगी, वो आपको ही सोचना होगा, ठीक है ना। हमारी तरफ से भरपूर रहेगा आपके लिए सब चीज़ें। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन फिर हम लोग जो है लाइव क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना, लाइव क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे उसका पूरी तरीके से, जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है ना, वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन अब बात आ गई डाउट वाली जो है,
कि सर जब आप जो है डीपीपी देंगे, तो मैंने पहले भी बोल दिया है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ और, कि जब हम आपको डीपीपी देंगे क्लास में जो है बहुत सारे लेक्चर्स आपको वैसे भी मिलेंगे, तो उनमें जो भी डाउट्स होगा उसके लिए जो है हम जैसे टॉपिक जो है फिनिश हो रहा होगा तो एक डाउट सेशन हम लगा देंगे हर बार, ठीक है ना। मतलब कितनी चीज़ें आपको मिलने वाली है एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। नंबर वन, जब बैचेस स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, जल्दी स्टार्ट होने वाला है पूरा, वो सब जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरी के पूरी बैच की सूचना, टाइमिंग, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, बैच स्टार्ट होगा, क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी, ठीक है ना, क्वेश्चंस ये होंगे, साथ में आपको फिर डीपीपी मिलेगी। जब डीपीपी मिलेगी तो श्योर है कि उसका सॉल्यूशन भी होगा। दो तीन क्लास जब हो चुकी होंगी तो डाउट्स भी बनेंगे कुछ ना कुछ। मैथ है वो तो डाउट बनने बनना है, मैथ में ऐसा कभी होते नहीं कि डाउट ना बन पाए, डाउट बनता ही बनता है। तो डाउट जो है हम लोग जो है लाइव में उसको भी डिस्कशन करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो डाउट सेशन चलता रहेगा टॉपिक के साथ ही, डाउट सेशन चलता रहेगा, डीपीपी आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। इसके साथ जो है आपको जो है टॉपिक टेस्ट मिलता रहेगा, वीकली टेस्ट मिलता रहेगा, और फिर जो है नंबर आ जाएगा। जब इतनी तैयारी आप कर लेंगे तो फिर आ जाएगी टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। ये आपको ज्वाइन करके इसको परफेक्ट करना है। अब टेस्ट सीरीज में तो आप समझ सकते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज उतनी ही रहेगी जितना क्वेश्चन बनता है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें कराने के बाद जो बुक्स के बारे में मैं बताने वाला हूं, एक बार समझ लीजिए, पहले भी मैंने बताया फिर एक बार समझ लीजिए, कि जो बुक्स मैंने कहा कि पहली बात तो एनसीईआरटी की बुक्स पूरी जो है एक बार रिवाइज जरूर करना है, उनको देखना है आपको, ठीक है ना। वहां पर वो सब कुछ क्वेश्चन उनके वो तो मैं यहाँ पर दूंगा ही दूंगा, कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने तरफ से अगर आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव टाइप जो है बुक्स है वो पूरी ऑब्जेक्टिव्स, वो पूरा आप अगर पढ़ के रखते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको इतने सारे हम कराएंगे तो श्योर है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप वहाँ पर नहीं करते हो तो भी मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप खुद ही टीचर बनने जा रहे हैं यार, ठीक है ना। मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं इतना करता हूँ तो फिर आपको भी तो करना ही होगा, क्योंकि आई टी मेन्स और एनडीए की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आपकी केवल जो है पास कर लेना है बस, क्योंकि आगे जरूरत है आपको पढ़ाना है भाई, आगे तो प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए उस हिसाब से हम अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से जो है आप अगर उसको लेकर तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, फिर जो है स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम है जो है, चाहे एमपी का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो, अगर उसके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, उसका कलेक्शन आप कर लेते हैं तो वो भी होगा। बाकी कलेक्शन में तो खुद यहाँ पर दूंगा ही, वो मिलेंगे ही, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आईटी मेंस का लगभग जो है 2010 से लेकर के अब तक के अगर क्वेश्चन देख लिए जाएँ तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब एक बात और आ जाती है, देखिए थोड़ा सा जो है वो कलेक्शन मैं तो खैर कोशिश करूँगा आप लोगों को सब देने के लिए, ठीक है ना। मैं उसमें कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों में मैं खरा उतरूँ, जो भी मैंने कमिटमेंट किया है आप लोगों से आज, ठीक है ना, डेफिनेटली उसको मैं पूरा कर सकूँ, ये मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है ना। और लगता है कि सफल होंगे भी हम उसमें, क्योंकि हर बार करते रहें तो इस बार भी होगा ही अच्छा हो, ठीक, हर एक चीज़ में करते रहें, ठीक है ना। तो वो खास ये है कि अगर हम 10 साल तक के जो है नेट और जेआरएफ के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, ठीक है ना, साथ में जो है पीसीएस के भी क्वेश्चन जो है हो चुके हैं, जो है पहले हुए थे, अब तो इस समय वैसा हो गया, तो अगर वो भी क्वेश्चन हम कुछ कलेक्ट कर लें, अब आप सोचोगे सर इतना सारा कर दिए अब तो फिर तब तो हम जो है टॉपर बन जाएंगे ना, इतना सारा पढ़ेंगे तो फिर कई साल लग जाएंगे पढ़ने में। कई साल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारा पोर्शन तो कहीं ना कहीं इससे उससे इससे इससे मिलेगा ही ना, हमें तो उनकी छटनी करनी है ना, उनको निकालना है जो क्वेश्चन डिफरेंट है सभी बुक से, ठीक है ना। और वो मैं भी निकालूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपके लिए कह रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप मेरे साथ उतनी मेहनत कर देंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि दो लोगों का लग जाएगा ना, आपका भी एफर्ट रहेगा और मेरा भी रहेगा, तो 100% सिलेक्शन होगा वो। तो इन चीज़ों पर प्रयास आपको भी करना है, ठीक है ना, और मैं तो करूँगा ही, जो मैंने आपको बताया कि 10 साल के जो है नेट और जेआरएफ के क्वेश्चन भी अगर मिल जाए, मैथमेटिक्स के, पीएससीएस के भी मिल जाए, ठीक है ना, आईएएस की जरूरत नहीं है, पीसीएस तक ही ठीक है, आईटी मेंस के क्वेश्चन मिल जाए, एडवांस की जरूरत नहीं है, तो उतने क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन आपको बीच में क्लासेस में भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, ठीक है ना, टॉपिक टेस्ट में भी मिलेंगे, ठीक है ना, वीकली टेस्ट में भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज में भी मिलेंगे। यानी ये चार पोर्शन मैंने आपको बता दिया, वीकली टेस्ट, ठीक है ना, टॉपिक टेस्ट,
और टेस्ट सीरीज, तीन ये हुए और तीन ये पार्ट रखें। इन सभी पर आपको जम करके फोकस करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से, इनको किसी को भी आप मिस नहीं कर सकते, ये आप समझ करके चलिए, ठीक है ना। ये तो मेरे जो है पढ़ाने की स्ट्रेटजी हो गई, और साथ में मैंने डिस्कस वो भी कर दिया आप के लिए कि आप कौन कौन सी बुक्स लेंगे आप, ठीक है ना। और उसके लिए नोट्स आपको बनाना इसी तरीके है कि जो क्वेश्चन, देखिए सिंपल है, जो क्वेश्चन आपको आ गया, देखिए सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे कहा करते हैं कि सर आप जब यहाँ बताते हैं तो तैयार हो जाता है, बाद में भूल जाते हैं, ठीक है ना। मैथ का ये रोल होता ही रहता है, हमेशा होता रहा है और होता रहता है, ठीक। तो उसके लिए करना क्या होगा, इनसे कैसे बचे, जैसे आपने जो है बुक उठाया या टेस्ट सीरीज उठाया, तो मुझे लगता है कि उसमें काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे, 40% क्वेश्चन तो ऐसा होगा, 40 से 45 भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी आपने थोड़ा और तैयार किया तो 50 भी हो सकता है। इतना परसेंट क्वेश्चन आपको डेफिनेटली खुद करने में लगेगा कि 100% आ गया, अब इसकी दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं। वो क्वेश्चन आप रिवीजन ना भी करें तो तैयार है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट और जो है ट्रिक का रिवीजन करते रहिएगा, उसको नहीं छोड़ना है आपको, ठीक। क्वेश्चन को उतकर नहीं लगाएंगे उसको तो भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद लगभग 60% बचा क्वेश्चन, और अगर 45 की बात करें तो भाई 60 की बजाय 50 भी मान लीजिए, लगभग इतने बचा। वो क्वेश्चन में करीब 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको हो सकता है कि आपके पास बुक रखी है तो बुक में आप नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन देखा आपने, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखा तो आपको लगा कि अरे यार ये तो हो जाएगा, वही ट्रिक लग रही थी इसमें जो जानते हैं हम, ठीक है ना, हमारा थोड़ा सा फंस रहा था, ठीक है ना। ये चीज़ होती है उसमें से, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि यानी ऐसे क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवीजन जरूर करना होगा, ये आप समझ लीजिए, दोबारा उनको रिवाइज जरूर करें, ठीक। और अब इसके बाद लगभग 20% या फिर 25% क्वेश्चन ऐसा बचता है कि उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो भी ये लगता है कि ये नहीं बन पा रहा है यार, अब इसको तो सर से ही पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने टीचर से ही बात करनी पड़ेगी, ठीक। तो फिर उन क्वेश्चंस को बच्चों दोबारा रिवीजन जरूर करना होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन फंसा देंगे एग्जाम में। और अगर वो क्वेश्चन आपको तैयार है, 40% का एक बार रिवीजन है, तो 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, 100% आप मेरिट में आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा उसमें, ठीक है ना। तो धैर्य के साथ आपको लगना होगा, ठीक है ना, ईमानदारी से आपको लगना होगा, ठीक है ना। एक अच्छे नोट्स बनाने होंगे, उनका रिवीजन जो है रेगुलर करना होगा आपको, ठीक। रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है फुल एनर्जी के साथ उनको देना होगा, ये सोच करके कि हम एग्जाम में ही बैठे हैं दे रहे हैं। ऐसा जब करने लगेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और बाकी तो बहुत सारी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप लोग खुद ही ग्रेजुएशन कर चुके हो, पीजी कर चुके होगे, बहुत सारे स्टूडेंट सब चीज़ें जानते हैं कैसे हैं। लेकिन अब बींग टीचर मुझे तो ये सब चीज़ें बतानी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए आप जो है मेरे स्टूडेंट बच्चे ही कहेंगे, हम सीधी से बात है, साथी भी बोलेंगे, बच्चे भी बोलेंगे, फ्रेंड भी बोलेंगे, चलता रहेगा, ये चीज़ें होती रहती हैं। हाँ 11th 12th का स्टूडेंट होता है भाई, तो हम लोग उसको साथ में कह देते हैं कि जो है बच्चा ही बोलेंगे उसको, फिर साथी बोलने का प्रश्न नहीं होता, लेकिन आप लोगों को तो बोला जा सकता है। तो ये चीज़ आप समझ करके चलिए। तो साथियों ये जो है मेरा पढ़ाने का पूरा प्रिपरेशन मैंने पूरी बता दी, पूरा डिटेल्स बता दिया कि किस तरीके से हम बैच को स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, क्या हम पढ़ाएंगे आपको, कैसे पूरा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है चलेंगी आगे, और आप लोगों को क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। आप लोगों को बुक्स की कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, उनको किस तरीके से तैयार करना होगा, कैसे नोट्स बनाने होंगे, वो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। TGT PGT के बारे में पूरा बता दिया जो है, बाकी तो पूरा का पूरा सब आप लोग जानते हो, सिलेबस भी जानते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो है पूरा एलिजिबिलिटी भी जानते हो कि क्या चीज़ें हैं, सब स्टूडेंट को पता ही होता है, सब चीज़ें फॉर्म भरते समय सब पता कर लेते हैं, ठीक। ये चीज़ें तो है ही हैं, और ख़ास बात एक ये होती है, देखिए कि PGT में जो है ये मान के चलिए कि करीब 3.4 का लगभग एक क्वेश्चन होता है उसमें से, ठीक है ना, 125 क्वेश्चन में से, ठीक। और इसके बाद जो है 50 नंबर का, ठीक है ना, 425 का होता है, 500 का टोटल होता है TGT और PGT दोनों, ये आप सब जानते हो, ठीक है ना। PGT में जो है थोड़ा सा ज़रूरत होती है हमें इंटरव्यू की भी, 425 क्वेश्चन का वो हो जाता है, और 50 क्वेश्चन का करीब जो है इंटरव्यू है आपका, 50 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा, और रिटर्न होगा जो है आपका 425 मार्क्स का,
425 नंबर उसमें, और 85 है तो 475 हो गए, ठीक है ना। अब 25 जो है नंबर का आपका वेटेज रहता है भाई, आपने बीएड किया हुआ है, आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है ना, आप पीएचडी हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ हैं, जो भी हैं, तो या फिर किसी स्पोर्ट्स में भी आपका कुछ है, तो वो अलग मिल जा रहा है आपको, ठीक है ना। नहीं है तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर 425 आप पूरे कर ले जाएँ पीजीटी में, तो आपका एक जो है परफेक्ट पोर्शन हो जाएगा रिटर्न का। और इंटरव्यू में तो मान के चलिए कि 50 में से 25 के ऊपर तो लगभग सभी को मिल ही जाते हैं भाई, इतने मिल ही जाते हैं, तो 450 आपका वैसे भी पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये डिटेल में सब इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब इसी बेस पर हम लोगों को आगे तैयारी करनी है और करानी है, ठीक, ये आप समझ लीजिए। तो ये टीजीटी और पीजीटी का पूरा जो है मैंने आज के वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बता दी कि जो है लगभग एक थोड़ा सा बेसिक में, हालांकि किसी एक टॉपिक को लेकर के हम चलते तो पूरा एक घंटा उसी को भी ले सकते थे, लेकिन हमने पूरा जो है एलिजिबिलिटी लगभग बता दी आपको, क्या क्या चीज़ें टीजीटी पीजीटी में होगा उसका कोर्स भी बता दिया, ठीक है ना, और क्या क्या पोर्शन आएगा उसमें मैथमेटिक्स का, दोनों में किसके कितने लगभग क्वेश्चन तो अभी डिस्कस नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग करेंगे पूरा का पूरा अलग तरीके से थोड़ा सा कुछ हट करके, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे जो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर आप लोग अच्छी तरीके से समझ करके और प्रिपरेशन में आप लोग अभी से लग जाइए, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि नहीं, कि बात के लिए बिल्कुल आपको नहीं रखना है, ठीक है ना, बात के लिए मत सोचिए कि नहीं फिर हम जो है जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम स्टार्ट कर देंगे, इसको हमने आपको बताया है कि अभी से लगना है पूरे तन मन से, तो 100% सिलेक्शन होगा। बाद में फिर आप पढ़ेंगे भी पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, कितने कितना पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ने के लिए पूरा पढ़ भी लेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, रिविज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साथियों आप जो है बिल्कुल लगते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना, और मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, कोर्स सिलेबस क्या है उसका पूरा वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक, और बाकी सब कुछ डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे, पूरा वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।